How are you? I hope you will be fine. Today I am going to teach essay on my brother. Start now. अब हम स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट लाइन देखिए. आई हैव ए ब्रदर. मेरे पास एक भाई है. तो ये देखिए ब्रदर. ब्रदर का मतलब क्या होता है? ब्रदर का मतलब होता है भाई. बी आर ओ टी एच ई आर ब्रदर. ब्रदर का मतलब होता है भाई. सेकेंड लाइन देखिए. हिज नेम इज शिवम. उसका नाम शिवम है. ही इज माई. माई मीन्स होता है मेरा. एल्डर मीन्स होता है बड़ा. एल्डर. एल्डर मीन्स क्या होता है? एल्डर मीन्स होता है बड़ा. अग्रज. अग्रज भी होता है. अग्रज मीन्स होता है बड़ा. और देखिए वो ही इज माय एल्डर ब्रदर. भाई मेरे बड़े भाई हैं. बच्चों आप लोग के पास भाई होंगे तो वो छोटे भी हो सकते हैं. तो आप लोग यंगर लिखिएगा. ये बड़ा भाई है तो एल्डर आप यंगर भी लिख सकते हैं. ही इज 10 इयर्स ओल्ड. 10 का मतलब होता है 10. इयर्स का मतलब होता है वर्ष. ईयर का क्या मतलब होता है? वर्ष. और देखिए एल्डर का मतलब होता है अग्रस. ईयर का मतलब होता है बस. ही इज हेल्दी एंड हैंडसम. तो हेल्दी का मतलब देखिए हेल्दी. हेल्दी का मतलब होता है स्वास्थ्य. हेल्दी का मतलब होता है स्वास्थ्य. एंड का मतलब और हैंडसम का मतलब सुंदर. हैंडसम. हैंडसम का मतलब होता है सुंदर. ही रीड्स इन क्लास 4. वह क्लास 4 में पढ़ता है. तो रीड का मतलब क्या होता है? पढ़ना. रीड. रीड का मतलब क्या होता है? पढ़ना. और देखिए रीड का मतलब पढ़ना. उसके बाद देखिए क्लास का मतलब होता है वर्ग. क्लास. क्लास का क्या मतलब होता है? वर्ग. कक्षा. वे कक्षा 4 में पढ़ते हैं. ही इज ए गुड स्टूडेंट. गुड का मतलब क्या होता है? अच्छा. स्टूडेंट का मतलब होता है छात्र. तो गुड का मतलब लिखिए अच्छा. और स्टूडेंट का मतलब देखिए एस टी यू डी ई एन टी. स्टूडेंट. स्टूडेंट का मतलब विद्यार्थी भी होता है और छात्र भी होता है. तो ही इज ए गुड स्टूडेंट. वो एक अच्छा विद्यार्थी है. वे एक अच्छे विद्यार्थी है. माई ब्रोदर. ब्रोदर के बारे में मैं बता चुकी हूँ. भाई होता है. और लव मीन्स होता है प्यार करना. प्यार. लव मीन्स होता है प्यार. प्यार होता है ना. ही लव्स मी. लव मीन्स प्यार. मी मीन्स मुझे. वेरी मच का मतलब होता है अधिक. B E R Y.
I M U C H. Very much का मतलब होता है अधिक, ज्यादा भी होता है. वो मुझसे बहुत, वे मुझसे बहुत प्यार करते हैं. उसके बाद देखिए प्ले का मतलब होता है खेलना. विथ का मतलब होता है साथ. मी मीन्स ही प्लेज विथ मी. वो मेरे साथ खेलते हैं. प्लेज का मतलब देखिए प्ले का मतलब होता है खेलना. खेलना होता है. टेक्स का मतलब होता है ले जाना. स्कूल का मतलब विद्यालय. मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, स्कूल का मतलब होता है विद्यालय. ही डज नॉट क्वेल विथ मी. वे मेरे साथ भाई बड़े हैं ना, इसलिए वे मेरे साथ झगड़ा नहीं करते. वे मुझसे झगड़ा नहीं करते. नोट का मतलब होता है नहीं. वे मेरे से झगड़ा नहीं करते. स्कूल का मतलब होता है विद्यालय. तो स्टूडेंट आपको ये वर्ड मीनिंग समझ में आए. यहाँ देखिए लव है. लव का मतलब मैंने बता दिया आप लोग को, प्यार होता है. ही माने उनसे, और वेरी मच अधिक. इसका मतलब भी मैंने बताया आप लोग को, वेरी मच. ही इज अ गुड ब्रदर. गुड का मतलब भी बता दिया. ब्रदर का मतलब भी बताया, भाई होता है. और प्राउड का मतलब होता है गर्व. हिम का मतलब उन पर. प्राउड का मतलब होता है गर्व. मुझे उन पर गर्व है. तो स्टूडेंट आपको ये से समझ में आए. मैं रीडिंग करके बता देती हूँ, आप ध्यान दीजिएगा. ठीक है, चलिए अब हम लोग पढ़ते हैं, स्टार्ट करते हैं पढ़ना. आई हैव ए ब्रदर. आई हैव ए ब्रदर. देखिए आई हैव ए ब्रदर. मेरे पास एक भाई है. हिज नेम इज शिवम. हिज मींस उसका. उसका नाम शिवम है. उनका भाई बड़े हैं, इसलिए हम उसका नहीं बोलेंगे, उनका बोल देंगे. नेम का मतलब नाम, ठीक है. और टेन का मतलब होता है 10. आई हैव ए ब्रदर. मेरे एक भाई है. हिज नेम इज शिवम. उनका नाम शिवम है. ही इज माई एल्डर ब्रदर. वे मेरे बड़े भाई हैं. ही इज 10 ईयर्स ओल्ड. वे 10 वर्ष के हैं. ही इज हेल्दी एंड हैंडसम. वे स्वस्थ और सुंदर है. ही रीड्स इन क्लास 4. वे वर्क 4 में पढ़ते हैं, कक्षा 4 में पढ़ते हैं. ही इज ए गुड स्टूडेंट. वे एक अच्छे छात्र है, अच्छे विद्यार्थी है. माई ब्रोदर लव्स मी वेरी मच. मेरा भाई मुझे बहुत प्यार करता है, करते हैं. मेरा भाई मुझे बहुत प्यार करते हैं. मेरे भाई मुझे बहुत प्यार करते हैं. ही प्लेज विथ मी. वो मेरे साथ खेलते हैं. वे मेरे साथ खेलते हैं. ही टेक्स मी टू स्कूल. वे मुझे स्कूल ले जाते हैं. ही डज नॉट क्वेल विथ मी. वो मेरे से झगड़ा नहीं करते.
I love him very much. मैं उन्हें बहुत प्यार करता हूँ. He is a good brother. वे एक अच्छे भाई है. I am proud of him. मुझे उन पर गर्व है. अब यह देखिए ब्रोदर. ब्रोदर का मतलब क्या होता है? भाई. और यहाँ देखिए एल्डर का मतलब अग्रज, बड़े, बड़ा. ईयर का मतलब होता है वर्ष. हेल्दी का मतलब होता है श्वास. हैंडसम का मतलब होता है सुंदर. आर ई ए डी रीड मीन्स पढ़ना. सी एल ए डबल एस क्लास मीन्स वर्क. जी डबल ओ डी गुड मीन्स अच्छा. स्टूडेंट मीन्स छात्र. लव मीन्स प्यार. और वेरी मीन्स मीन्स बहुत. प्ले मीन्स खेलना. तो स्टूडेंट, तो लुक स्टूडेंट, मैंने ये जो माय ब्रदर का जो एसे है उसका जो मेन पॉइंट है वो मैंने यहाँ पे लिख दिया है और उसके हिंदी के साथ लिखा है. सबसे पहले आप इसका जो मेन पॉइंट है, इसका वर्ड मीनिंग है वो याद कीजिएगा. स्पेलिंग अच्छे ढंग से याद कीजिएगा. जब आपको वर्ड पावर स्ट्रांग होगा तो जब आप ऐसे याद कीजिएगा, जब लिखने जाइएगा तो आपको स्पेलिंग में प्रॉब्लम नहीं होंगी. ठीक है स्टूडेंट, तो चलिए आप लोग को समझ में आए. चलिए मैंने ये जो मेन पॉइंट आप लोग को यहाँ पे लिख दिया है, इसे आप अच्छे ढंग से याद करेंगे. और फिर से मैं रीडिंग करा देती हूँ. आई हैव ए ब्रोदर. मेरे पास एक भाई है. ब्रोदर मीन्स भाई. आई हैव ए ब्रोदर. मेरे पास एक भाई है. हिज नेम इज शिवम. उसका नाम शिवम है. मेरे एक भाई है. हिज नेम इज शिवम. उनका नाम शिवम है. He is my elder brother. वे मेरे बड़े भाई हैं. He is 10 years old. वे 10 वर्ष के हैं. He is healthy and handsome. वे स्वस्थ और सुंदर है. He reads in class 4. वे कक्षा 4 में पढ़ते हैं. He is a good student. वे एक अच्छे विद्यार्थी है. My brother loves me very much. मेरे भाई मुझे बहुत प्यार करते हैं. He plays with me. वो मेरे साथ खेलते हैं. He takes me to school. वे मुझे स्कूल के लिए ले जाते हैं. He does not quarrel with me. वो मेरे से झगड़ा नहीं करते. I love him very much. मैं उन्हें बहुत प्यार करता हूँ. He is a good brother. वे एक अच्छे भाई हैं. I am proud of him. मुझे उन पर गर्व है. आई आप लोग को समझ में. एक बार चलिए मैं आप लोग को रीडिंग करवा देती हूँ इसका इंग्लिश में. आई हैव ए ब्रोदर. हिज नेम इज शिवम. ही इज माय एल्डर ब्रोदर. ही इज 10 इयर्स ओल्ड. ही इज हेल्दी एंड हैंडसम. He reads in class 4. He reads in class 4. He is a good student. My brother loves me very much. He plays with me. He takes me to school. He does not quarrel with me. I love him very much. He is a good brother. I am proud of him. तो स्टूडेंट आप लोग माय ब्रदर पे ऐसे समझ में आए. सबसे पहले आप ये वर्ड मीनिंग को याद करेंगे अच्छे ढंग से, तो और उसके बाद आप ऐसे लिखेंगे तो आपको स्पेलिंग में कभी गलती नहीं होंगी. आपको कैसा लगा पढ़ने में माय ब्रदर के बारे में? अच्छा लगा? वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए. आप लोग को पढ़ने में अच्छा लग रहा है कि नहीं? माय ब्रदर के बारे में कैसा लगा पढ़ने में? ठीक है स्टूडेंट, हैव ए नाइस डे. थैंक यू.